इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आज की अहम खबर, उत्तराखंड जिसे देवी देवताओं की जगह मानी जाती है, लिहाजा एक बार फिर ग्लेशियर टूटने से तबाही मच हुई है। वाजह रहे कि उत्तराखंड में इससे पहले भी बाढ़ की तबाही 2013 में आई थी, जिससे मशहूर मंदिर बद्रीनाथ भी तबाही से बच नहीं सका था। लिहाजा एक बार चमोली में ग्लेशियर फटने से बाढ़ से तबाही का मंजर देखा गया। हासिल इत्तला के मुताबिक तकरीबन 150 से भी ज्यादा मजदूर गायब होने की बात कही जा रही है। अब तक 3 लाशों को बरामद किया गया। इससे ऋषिगंगा प्रोजेक्ट को बड़ा नुकसान पहुंचा है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक पावर प्रोजेक्ट में काम कर रहे 150 मजदूर गायब हैं। वजीर आला रावत के मुताबिक अब हालात काबू में होने की बात कही जा रही है। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने तफसीलात इस तरह बयान किए, ग्लेशियर ने ऋषिगंगा बिजली प्रोजेक्ट को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। वहाँ 50 से भी ज्यादा अफराद काम करते थे, उनके भी इसमें हताहत होने के इम्कान है। हमारी टीमें वहाँ पहुँच गई हैं। उत्तराखंड पुलिस और SDRF की टीमें वहाँ पहुँच कर अपना काम अंजाम दे रही है। बहाव में आई मिट्टी में दबे लोगों को ढूंढा जा रहा है, कुछ लोगों को बचाया भी गया है। जहाँ से यह बर्फ के पहाड़ आए हैं, हालात का जायजा लिया जाए। कर्णप्रयाग तक पानी आ चुका है। बारिश में गंगा में जितना पानी आता है, अभी उतना ही पानी नदी में। कोशिश कर रहे हैं कि आगे कोई हताहत न हो। अगले 4-5 घंटे में पानी ऋषिकेश और हरिद्वार तक भी पहुंचेगा। उत्तराखंड की तबाही को मद्देनजर रखते हुए यूपी में भी योगी आदित्यनाथ ने अलर्ट जारी किया हुआ है। मकामी खबर पर एक नजर। मसाज सेंटर के नाम पर फहश कामों को अंजाम देना पहले बड़े शहरों में ही होता देखा जाता था, पर अब बेलगाम शहर में भी इस तरह की वारदातें पेश आने से आवाम में एक मौजूद जेर बहस है। एक रिपोर्ट के मुताबिक मसाज पार्लर या ब्यूटी पार्लर की आड़ में फहश कामों को ज्यादा अंजाम देने की बात कही जाती है। लिहाजा तिलकवाड़ी जैसे पौश रिहायशी इलाके में पुलिस कार्रवाई के बाद मसाज सेंटर को लेकर सोचो फिक्र का इजहार किया जा रहा है। तिलकवाड़ी के न्यू गेटवे यूनिसेक्स पा मसाज सेंटर पर साइबर इकोनॉमिक्स नारकोटिक्स यानी CEN दस्ते ने छापामारी कर 2 अपराधों को गिरफ्तार किया। प्रकाश अलूरकर और विनायक सिंधे अब पुलिस हिरासत में। तिलकवाड़ी दूसरे रेलवे गेट के नजदीक नेल्सन हाइट्स में इस मसाज पार्लर का कायम था। CEN पुलिस को इत्तला मिली तो छापा मारा गया, जिसमें 3 लड़कियों को यहाँ से रिहा किया गया। CEN पुलिस दस्ते के अफसर गड्डेकर ने कामयाब कार्रवाई करने पर इनकी टीम को कमिश्नर की जानिब से इनाम देने का भी ऐलान किया गया। यकीनन पुलिस इंतजामिया मुबारकबाद के काबिल है। अब कुछ आवाम की भी जिम्मेदारी होती है। हर जुर्म का पर्दाफाश तो होता है, पर आवाम इसे बेखबर रहती है। आवाम को इसे महज खबर के तौर पर नहीं लेना चाहिए, बल्कि इसे बतौर सबक के तौर पर भी लेना होगा। बेलगाम शहर बढ़ता जा रहा है, शहर को स्मार्ट भी बनाया जा रहा है। इसी खूबसूरत शहर में कहीं तो बदनुमा दाग भी पनपते रहते, इस पर हमारी नजर होनी चाहिए। जरूरी होता है कि हमारी नजर इस पर रहे। जुर्म कहाँ कब पनपता है, इसका पता नहीं रहता। घर मोहल्ले के आसपास ही इसकी जड़ें फैलती रहती है। शहर जिस तरह से फैल रहा है, लोगों की सोच भी अलग अलग होने लगी। पहले घर मकान गली मोहल्लों में मोहब्बत भाईचारा एक दूसरे के सुख दुख में शरीक होना होता था। घर की दीवारें कच्ची मिट्टी की होती थी, पर दिल बहुत मजबूत थे। कीना कपट को जगह नहीं हुआ करती थी, पर अब वक्त के चलते हमने सिर्फ अपने लिए जीना सीखना शुरू किया। बुराई अगर कहीं पनप भी रही है तो मुझे क्या करना, किसी का बुरा होता है तो होने दो वाली जहनीत बढ़ने लगी। आजकल सलून स्पा पार्लर मसाज सेंटर बड़े शहरों की जरूरत बनती जा रही है। शादी ब्याह के वक्त अक्सर लोग खासकर खवातीन पार्लर जाना पसंद करते रहते। गली मोहल्लों में स्पा सलून पार्लर का कयाम अमल में आ रहा है। यकीनन हर कोई खूबसूरत दिखना सेहत का ख्याल रखना चाहेगा और जरूरी भी है, पर कुछ जगहों पर इस तरह जुर्म पनपते रहते हैं, इस तरफ अनदेखी भी होती रहती है। कुछ लोगों ने तो बुराई को समाज का हिस्सा भी मान लिया, तो कुछ लोग आजादी के नाम पर बुराई को फरोग देते रहते। लिहाजा जिस समाज माशरे में हम रह रहे हैं, इसका हम सब हिस्सा। ये भी इतनी ही सच्चाई है कि कुछ लोगों की वजह से अक्सर मसाज पार्लर सेंटर शक के दायरे में आते हैं। बेलगाम पुलिस कमिश्नर ने इसी के मद्देनजर CCTV हर मसाज सेंटर में बिठाना जरूरी करार दिया है। खवातीन अक्सर आजकल ब्यूटी पार्लर जाती है, कहीं तो एक आध जगह पर जुर्म पनपता रहता है। इस पर मोहल्ले वालों की नजर भी होना जरूरी है। आज एक बार फिर मसाज सेंटर के नाम पर हो रहे फैश कामों के जरिए इस मौजू पर गुफ्तगू करने का मौका मैसर हुआ। ये बात भी उतनी ही सच है कि कोई अगर एक डॉक्टर
गलत काम करता है तो सभी डॉक्टरों को इसी नजर से देखना गलत है। उसी तरह से कोई एकाध वकील अगर पेशे से इंसाफ नहीं कर रहा तो एक ही पैमाने से हर किसी को नापना मुनासिब नहीं होगा। लिहाजा मसाज सेंटर या ब्यूटी पार्लर के वाकयात यकीनन सोचने के काबिल तो है ही, पर सभी को इस पर नजर रखना जरूरी है और सभी को गलत कहना भी गलत होगा, पर बाशऊर अवाम को बेदार होना जरूरी है। ऐसा ना हो कि घर की इज्जत कहीं पर नीलाम हो रही है हमें मालूम ही नहीं, और जब मालूम होता है तो वक्त निकल चुका होता है, तब हमारा अफसोस करना भी कुछ मायने नहीं रखता, क्योंकि हम दौर फितन से गुजर रहे हैं और फितने बारिश के बूंदों की तरह बरस रही है। इसका ख्याल हमें होना चाहिए। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।